स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फार्माकोलॉजी दैट इज़ अ सेडेटिव्स। सेडेटिव्स वो ड्रग्स हैं जो हमें स्लीप, एग्जाइटी और मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स में हेल्प करती हैं। इनके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इन्हें सेडेटिव्स ड्रग्स भी कहते हैं, इन्हें बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स भी कहते हैं या हाइपनोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो सेडेशन का मतलब क्या होता है? सेडेशन का मतलब होता है कम एग्जाइटी हो जाना, मोटर एक्टिविटी भी कम हो जाना, कॉग्निटिव एक्टिविटी यानी आपके बिल्कुल ही आप कॉग्निटिव यानी आप कोई हरकत वगैरह भी ना करें। जो हाइपनोसिस है उसमें ड्राउसीनेस हो जाती है यानी आप थोड़े से हल्के बेहोश हो जाते हैं और आप नींद आ जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सेडेशन हाइपनोसिस में। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप। जो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप है इसमें इसकी मार्जिनल सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छे सेडेटिव्स हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप। ठीक है, जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन है उसमें बुस्पिरोन है और जोन से है, लेकिन ये जो बुस्पिरोन वगैरह है ना, बुस्पिरोन आजकल यूज़ हो रहा है, ज़ालेपिलोन और ये, लेकिन ये इनमें सेडेटिव एक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, और लेकिन इनकी डोज डिपेंडेंट है और ये CNS डिप्रेशन और कोमा और डेथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन का सिमिलर एक्शन है इसमें, थोड़ी सी इसका जो एक्शन है वो डिपेंड करता है लिपिड की सॉलिबिलिटी पे, यानी जितना ज़्यादा लिपिड की सॉलिबिलिटी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और जितनी जल्दी हमारी बॉडी से एलामिनेशन होगी ऑफ ड्रग, उस पर डिपेंड करता है कि बेंजोडाइज़ेपिन कितनी इफेक्टिव है और थेरापेटिक इफेक्ट कितना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान है इसमें, मेनली जो गाबा GABA है, गाबा इसे गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं, ये मीडिएटेड इनहिबिशन और न्यूरल एक्टिविटी होती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन के साथ जाके जो अनसे हैं बाइंड कर जाते हैं, जिसमें इसके दो सब टाइप्स हैं BZ1 एंड BZ2। ठीक है, जो कि आगे जो अनसा है, जो इसमें गैबा जो अनसा है क्लोराइड चैनल कम्प्लेक्स है, जो आगे गैबा क्लोराइड चैनल्स इसके साथ जो कम्प्लेक्स होता है उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट। ठीक है, तो 4 सब यूनिट में अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अब मेजर फॉर्म जो इसमें कम्प्लेक्स जो बनता है जिससे आगे जो वो 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है और 1 गैमा है, यानी 2 अल्फ़ा, 2 बीटा एंड 1 गैमा। यानी पहले जाके रिसेप्टर से बाइंड हुए, रिसेप्टर के बाद आगे क्लोराइड चैनल कम्प्लेक्स से बाइंड हुए और क्लोराइड चैनल के आगे सब यूनिट अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो बेंजोडाइज़ेपिन करते क्या है? बेंजोडाइज़ेपिन जो हमारा गैबा है, जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो गैबा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी गैबा एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे और क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देंगे। जब क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे तो वो डीप्लोराइजेशन को इनहिबिट कर देंगे और हाइपरप्लोराइजेशन कर देंगे, यानी जो डीप्लोराइजेशन जिसकी वजह से न्यूरॉन एक्टिव रहते हैं तो उनको हाइपरप्लोराइज कर देंगे, हाइपरप्लोराइज जिसकी, और हाइपरप्लोराइज हमेशा क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गई? ठीक है, तो ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। तो क्लोराइड चैनल इसमें ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसके अगर ये अगर हमारी बॉडी के अंदर गैबा नहीं है यानी न्यूरोट्रांसमीटर है, तब ये दवाई ले लें तो इनका कोई फ़ायदा भी नहीं। ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन ज़ाहरी बात है ज़्यादातर ओरली दी जाती हैं। जो ओरली दी जाती हैं वो ज़ाहरी बात है स्टोमिक से भी गुजरती हैं, आगे इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड के अंदर आती है। मुख्तलिफ ज़रूरी नहीं सिर्फ ये नींद के लिए दी, ये एग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए भी दी जाती है और स्लीप डिसऑर्डर्स। एग्जाइटी एक अलग चीज़ है और स्लीप डिसऑर्डर अलग चीज़ है। ठीक है, और इनमें जो मेन है वो क्लोराडाइपॉक्साइड है, डाइजीपाम है, डाइजीपाम का इंजेक्शन भी मिलता है, हम यूज़ करते हैं कार्डियोलॉजी में, लोराजीपाम और मीडियाजोलम का भी इंजेक्शन मिलता है। तो इसका जो एक्शन है वो मैंने पहले बता दिया, वो लिपिड की सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है, जितना हाईली सॉलिबल होगा उतनी जल्दी इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि ब्रेन में ज़्यादा हिस्सा लिपिड का होता है तो ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितनी लिपिड की सॉलिबिलिटी है या नहीं है। तो जौन से है इसके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जौन से है, जो आपको पता है तमाम ड्रग्स जौन से है स्टोमिक के बाद हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी उनका होता है, यानी वो अपने एक्टिव ग्रेडियंट्स में हेपेटिक जो जिगर है उसमें जाके वो फाइनली मेटाबॉलाइज्ड होती हैं। तो तकरीबन तमाम बेंजोडाइज़ेपिन के लिए हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बहुत अहम है, लेकिन इसमें